Okay, Hira, Kokila ma'am writes about lumbar and cervical spondylitis and also back pain. अब एक हर बार मैं एक अलग कॉन्टेक्स्ट से आपको सेम चीज ही सिखाऊं वो समझाऊं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो एक ही प्रॉब्लम, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको कहीं से तो क्लिक कर जाए। ठीक है, आप पत्थर लीजिए, चपटे पत्थर होते हैं ना, गोल गोल चपटे पत्थर होते हैं, ऐसे 33 पत्थर, 32-33 पत्थर ले लो, उसके बीच में छेद अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और रस्सी डाल दें, एक मोटी रस्सी, और उसको तान दीजिए, सारे के सारे 33 पत्थर एकदम स्ट्रेट आ जाएंगे। उसको ढीला छोड़ दो, वो 33 के 33 पत्थर लुढ़कने लगना है, एक दूसरे के ऊपर इधर उधर हो जाएंगे, वो अलाइन नहीं रहेंगे। जब आपकी रीढ़ की हड्डी अलाइन नहीं रहती तो स्लिप डिस्क होता है, और रीढ़ की हड्डी में जो पक्ष आपका कमजोर हो, ऊपर का तो सर्वाइकल की तरफ में प्रॉब्लम होगी, नीचे का तो लंबर रीजन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो क्या आप ये जो तान है, ये जो टेंशन है जिसकी वजह से आपकी हड्डी जो है स्ट्रक्चर बना के रखी है, उसको वो कमजोर हो गई, आप ऑपरेट करा लेंगे तो क्या उसको आपने मजबूत कर दिया, उस शक्ति को, उसको कहते हैं व्यान, उस स्ट्रेंथ को कहते हैं व्यान, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के स्ट्रक्चर को पक्के तरीके से बना के रखता है, उसे कहते हैं व्यान। तो सर्जरी करा के व्यान मजबूत हो जाता है क्या? तो सर्जरी तो सॉल्यूशन नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है उस समय सर्जरी आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, मगर स्लिप डिस्क एक जगह है दूसरी जगह हो जाएगी, एक कंधे में प्रॉब्लम है दूसरे कंधे में आ जाएगा, बॉडी तो अलाइंड ही नहीं है। जिस शक्ति ने आपके स्ट्रक्चर को बना के रखा हुआ है उसको आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन तो वही है, एक स्लिप डिस्क दूसरा स्लिप डिस्क, कमर में प्रॉब्लम एक घुटना बदलवा लो दूसरा घुटना बदलवा लो, अरे किसी को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिला इस तरीके से? आप कम से कम बात तो कीजिए लोगों को, देखिए तो सही, आप लोग समझदार हैं क्योंकि आप लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं, अकेली समझदार स्पीशीज है पूरी दुनिया में, मगर हम क्या गुलाम मानते हैं अपने आप को फिरंगियों के, जो कि सबसे बुद्धू प्रजाति है, सबसे बेवकूफ प्रजाति है, उसको हम गुलाम मानते हैं अपने आप। उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी, जमीन ठीक नहीं रखा, पानी खराब कर दिया, हवा खराब कर दी, हमारा शरीर खराब कर दिया। इतनी बुद्धिमानी चाहिए क्या आपको कि आप बिल्कुल ही खत्म हो जाए? नहीं, आप लोग भारतीय हैं, आप लोग समझदार हैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा क्या ये सोल्यूशन दे रहा है मुझे, क्या सर्जरी सोल्यूशन है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्जरी ना करवाए, अगर बहुत ड्रास्टिक कोई कंडीशन है, बहुत तकलीफ देह कंडीशन है, उस समय करवाया जा सकता है, मगर इलाज तो नहीं कर रहे आप अपना, थोड़ा मैनेजमेंट कर रहे हो, इधर ठोक के उधर कर दिया, उधर ठोक के उधर कर दिया, पर शक्ति तो है नहीं शरीर में, कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको कब ठीक करेंगे? तो व्यान पक्ष तो आपको सुधारना होगा। तो हम लोग सिखाते हैं तीन चीजें, क्या? अंग न्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में अगेन तीन चीजें, दो तीसरी चीज है उसे हम कहते हैं व्यान क्रिया कुंभक, वो तो आपको करवा ही रहे हैं, वो केवल केवल रीढ़ की हड्डी के लिए ही नहीं, आपके शरीर का पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है, और उसकी शक्ति को बढ़ाना है ताकि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और ना भागे, तो ये आप सीखेंगे ही। ये व्यान पक्ष खराब हो गया, दोबारा से क्या खराब हुआ? आपके शरीर की एक शक्ति है, 84 शक्तियां आपके शरीर के अंदर, 84 एस्पेक्ट है, उसमें से एक व्यान पक्ष है, वो व्यान पक्ष आप ठीक करेंगे तो आपके रीढ़ की हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर इंटीग्रेट होगा। अभी जो स्लिप डिस्क हुआ इसको अगर आप ठीक भी कर लेंगे तो आगे स्लिप डिस्क नहीं होगा। दूसरी बात, हम इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस भी देते हैं जिससे कि अगर स्लिप डिस्क अभी है तो वो अपनी जगह वापस ले ले और रीढ़ की हड्डी अपने शेप में आ जाए, इसके लिए हम प्रोसेस देते हैं, हठ विन्यास के अंदर वो दिया जाता है। ओके, नीना मैम राइट्स, माय फूड गेट्स स्टक समटाइम्स इन माय फूड पाइप, आई गेट ब्रेथलेस एंड हैव टू वेट 10 मिनट्स बिफोर फूड गोज डाउन एंड आई कैन। अच्छा, आपको हाँ, आप कुछ भी इलाज करवा लो ठीक नहीं होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या, आप करवा के देख लिए, एंडोस्कोपी करवा लो, कुछ नहीं निकलेगा, सब आइडिया लगाएंगे डॉक्टर, अच्छा इसका नर्व खराब हो गया होगा इस जगह, ईसोफेगस का, कुछ पता नहीं चलेगा,
आप करवा के देख लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस वजह से होता है। आपके शरीर में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, खाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, हार्मोन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, खून एक ही दिशा में जाते ना, फ्लो एक ही दिशा में होता। तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूरिन एक ही दिशा में जा रहा है, फीकल मैटर एक ही दिशा में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हम कहते हैं नाग वायु। क्या कहते हैं? नाग वायु। तो वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ठीक नहीं है, यानी आप खा रहे हैं तो आपके इसोफेगस को ऐसे मसल मूवमेंट बना के उसको नीचे ले जाना चाहिए, वो बना नहीं पा रहा। तो क्या दोष आया? नाग वायु दोष। तो जब हम आपका कस्टमाइजेशन करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, तो हम आपके मॉड्यूल का कस्टमाइजेशन करते हैं और हमें यह पता चलता है कि आपके शरीर में कौन से एस्पेक्ट में गड़बड़ी है। फिर अगर आपको हम एक प्रोसेस करवाएंगे, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस देंगे, इसे कस्टमाइज प्रोसेस कहते हैं, कस्टमाइज कुंभक कहते हैं, जो कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वो नागवायु दोष अगर ठीक करेगा, आपका शरीर को ठीक करेंगे, तो यही नहीं काफी और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कई लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और वो ठीक ही नहीं होता, वो सालों साल दवाइयां एंटीबायोटिक खाते रह जाते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। ऐसे कई चीजें हैं आपके शरीर के अंदर, ये हमेशा नागवायु दोष इसमें एक एस्पेक्ट है जो कि खराब होता है। अगर आप इसको ठीक करेंगे तो ये परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको।